नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे स्वराज 744 XT 4 स्टार ट्रैक्टर का। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो इस ट्रैक्टर के फ्रंट में आप देख सकते हैं हमें दो हेलोजन टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं और इसी के नीचे हमें स्वराज की बैजिंग मिल जाती है और काफ़ी शानदार आगे जाली दी गई है हवा पास होने के लिए। और बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो इस तरफ हमें स्वराज 744 XT 4 स्टार RPTO की बैजिंग मिल जाती है और इसका जो बोनट है वो हमें सिंगल पीस नहीं मिलता है, ये इस तरफ से ओपन होता है साइड से। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो बोनट है पूरे पार्ट्स में है, डैमेज होने पर आप एक एक पार्ट से इसका बदल सकते हैं। जैसे इतने ये वाला पार्ट अगर ख़राब हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं बोल्ट खोलकर। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। तो इसका जो फ्रंट एक्सल है वो हमें एडजस्टेबल दिया गया है, इसे आप अपनी खेती के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलता है हमें। और इसका जो पावर स्टेयरिंग है, हमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है। इसके लिए हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर यहाँ पर दिया गया है। और इसका जो इंजन है, अगर उसकी बात करें तो हमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है बॉश के इनलाइन फ्यूल पम्प के साथ। और इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो हमें 3478 सीसी की मिल जाती है। साथ ही इस ट्रैक्टर का जो बोर स्टॉक है वो हमें 110 और 122 mm का मिल जाता है। और इसके जो इंजन रेटेड RPM है वो हमें 2000 मिल जाते हैं। 2000 इंजन रेटेड RPM पर यह ट्रैक्टर 52 HP की पावर प्रदान कर देता है। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें दो डीजल फिल्टर मिल जाते हैं डीजल को फिल्टर करने के लिए। और इसी के साइड में हमें वाटर सेपरेटर दिया गया है डीजल से पानी को अलग करने के लिए। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें बड़ा एयर फिल्टर दिया गया है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करता है। इसमें ऊपर की तरफ हमें प्री क्लीनर दिया गया है और यहाँ जाली फिल्टर, पेपर फिल्टर और ऑयल दिया गया है। और किसान भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर के क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें डुअल क्लच मिल जाता है। डबल क्लच का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप डबल क्लच लेना चाहते हैं तो इसी में आपको 5 स्टार वाला वेरिएंट मिल जाएगा 744 XT में, जिसमें हमें IPTO के लिए सेपरेट दिया गया है। और अगर इसकी SFC की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं हमें 257 ग्राम की SFC दी गई है। और आप देख सकते हैं इस तरफ हमें फुटरेस्ट दिए गए हैं। यदि आप ट्रैक्टर लंबा चलाते हैं तो इसके ऊपर पैर रखकर ईजिली आप बैठ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म जो है इसका काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। सेंटर गेट ट्रैक्टर है लेकिन उसके बाद भी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा स्पेस जो है मिल जाता है। और इसके जो इंडिकेटर हैं वो हमें ओल्ड स्टाइल ही देखने को मिलते हैं जो कि मेंटेनेंस में बिल्कुल अच्छे होते हैं। और अब हम चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। तो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार का जो व्यू है वो हमें ड्राइवर व्यू देखने को मिल जाता है। और काफ़ी छोटा स्टेयरिंग दिया गया है और हॉर्न जो है इसी स्टेयरिंग के अंदर मिलता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर न्यूट्रल स्विच दिया गया है, इस तरफ हमें ऑयल प्रेशर का स्विच दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर वाला मीटर, इधर फ्यूल मीटर और यहाँ बैटरी मीटर और इधर RPM मीटर दिया गया है। और इस तरफ यहाँ पे हमें हैंड्रेस मिल जाती है और नीचे की तरफ हमें कुछ लाइट के कंट्रोल स्विचेस दिए गए हैं, इस तरफ हमें की स्विच दिया गया है। और बात करें इसके गेयरबॉक्स की, तो इस ट्रैक्टर में हमें कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स दिया गया है जिसमें हमें 8 स्पीड आगे के लिए और 2 स्पीड पीछे के लिए मिल जाती है। हाई लो गियर में ट्रैक्टर आता है। और सबसे अच्छी बात इसके ट्रैक्टर की गेयरबॉक्स की, इसका जो रिवर्स और फर्स्ट गियर है वो हमें एक ही लाइन पर दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर फंसने पर आप जल्दी जल्दी इसके गियर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। और ये फुटरेस्ट दिए गए हैं, जैसे आप इजीली ट्रैक्टर अगर लंबा चला रहे हैं तो आराम से चौड़े होकर बैठ सकते हैं। और इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ हमें ये मोबाइल चार्जिंग के लिए बॉक्स दिया गया है। और इस तरफ हमें PC DC लीवर मिल जाते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए। और इस तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल लीवर मिल जाता है। और इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ हमें ये PTO लीवर मिल जाता है, जिसमें हमें 540 स्टैंडर्ड और CRPTO मतलब मल्टी स्पीड रिवर्स फॉरवर्ड PTO जो है वो देखने को मिल जाती है। इस तरफ हमें फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है जिसमें आप टूल वगैरह रख सकते हैं और इसमें जंग वगैरह लगने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो चलिए अब हम व्यू कर लेते हैं ट्रैक्टर के बैक साइड का। तो इस ट्रैक्टर में हमें 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली दमदार हाइड्रोलिक मिल जाती है। इसमें हमें 3-point सेंसिंग के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप मिट्टी के हिसाब से अपने इम्प्लीमेंट को सेट कर सकते हैं।
साथ ही कंपनी फिटेड ड्रॉबार और हिच और टॉपलिंग हमें मिल जाता है। और इसके जो लिंकेज है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी लिंकेज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके नीचे सपोर्ट लगाई गई है जिससे ये बेंड नहीं होते हैं। और इस तरफ हमें ये सॉकेट दिया गया है जिससे आप इसके हाइड्रोलिक को लॉक कर सकते हैं। और इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाता है और ये हमें सिंगल और डबल एक्टिंग वाल के साथ मिलता है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस ट्रैक्टर की। और इस तरफ हमें ये 7-पिन सॉकेट दिया गया है। इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात इसका जो मडगार्ड है, इसके बीच में हमें एक पाइप लगा कर दिया गया है जिससे इसका मडगार्ड जो है वाइब्रेट ना हो। और सीट के पीछे हमें एक रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरफ मडगार्ड पर हमें ये प्लाउलेम दी गई है जिसे आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके जो बैक एक्सल है वो हमें स्ट्रट टाइप एक्सल दिया गया है और काफ़ी हैवी ड्यूटी बैक जो है उस ट्रैक्टर का देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के दूसरे साइड की। तो इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ हमें डबल पंप मिल जाते हैं। एक पंप हमें पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है और एक पंप हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। और इसी के नीचे हमें इंजनल फिल्टर दिया गया है यहाँ पर। और इस तरफ हमें हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाता है और इस तरफ हमें स्टार्टर मोटर दिया गया है। और इस ट्रैक्टर का जो बैटरी बॉक्स है वो हमें साइड में दिया गया है। और अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेक की तो इस ट्रैक्टर में हमें OIV ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक, जो कि काफ़ी मेंटेनेंस फ्री होते हैं और इजी टू यूज़ होते हैं। और इस तरफ यहाँ पर हमें हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम दिया गया है जिससे आप इसकी हाइड्रोलिक को लॉक कर सकते हैं। और इसकी जो सीट है वो हमें एडजस्टेबल दी गई है जिसे आप हाइट और वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के PTO की तो इस ट्रैक्टर में हमें जो मैक्स PTO है वो हमें 33.8 किलोवाट की दी गई है। और इसकी PTO में हमें 540 स्टैंडर्ड और मल्टी स्पीड रिवर्स फॉरवर्ड PTO जो है वो देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के टायर साइज की तो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो हमें 750/16 का दिया गया है और इसका जो रियर टायर है वो हमें 14/28 का देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में आप 5-स्टार वाला वेरियंट भी ले सकते हैं जिसमें हमें IPTU क्लच देखने को मिल जाता है और उसमें इस ट्रैक्टर से जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपको मिल सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।